हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आपका इंतजार खत्म हुआ। आज जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 6, इसका ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 2, महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका। ये वन पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम पार्ट 2 करेंगे और इसके बाद ये वाला टॉपिक महिलाओं महिला संगठनों की समाज में भूमिका खत्म हो जाएगी। इस पर हम लोग थोड़ा बहुत एक आध चीज़ें उसमें रह जाएंगी जो हम वर्बली डिस्कस कर लेंगे, और इसके ऊपर हम लोग आंसर राइटिंग जल्द ही करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बन सकते हैं और उसमें हम लोग क्या क्या आंसर दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था पार्ट 1 में, महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका। हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट शुरू होगा जनसंख्या और जनसंख्या संबंध समस्याएं, ये हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो आज यहाँ तक का टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है हमारा। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट डे, क्या क्या सब टॉपिक डिवाइड किए थे, अपराध, उत्तरदायी कारण, इसके परिणाम, सुझाव और संवैधानिक प्रावधान। ये पार्ट हमने यहाँ तक पूरा पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो पे आइए ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, आप अंडरस्टैंड हो जाए इस टॉपिक के संबंध में। नेक्स्ट आज हम करेंगे समाज में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, ये दो टॉपिक बचे थे उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमने नेक्स्ट में पढ़ा था, भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध संबंधित क्या क्या अपराध थे, ये हमने देखे थे। इसके बाद इसके क्या क्या उत्तरदायी कारण थे, चार कारणों पे हमने डिस्कशन किया था। इसके क्या क्या परिणाम हुए थे इसके बारे में हमने देखा था। ये सब आपका रिकैप हो रहा है तो ये थोड़ा सा रिवीजन के टाइप में आप लीजिए, एक बार बस एक बार नज़र डाल लीजिए ताकि आपको जो भी आपने पुराना पढ़ा है वो एक बार आपको याद आ जाए। नेक्स्ट महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए सुझाव, हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे। इसमें से कम 10-12 भी अगर आप आंसर राइटिंग में लिख कर आते हैं डिटेल में अपने शब्दों में विद एग्जाम्पल, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर हमने संवैधानिक प्रावधान देखे थे, हमने कुछ ही संवैधानिक प्रावधान देखे थे। आपको कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि कमेंट करने को कि आप हमें कुछ संवैधानिक प्रावधान और बताइए, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया है। तो लोग आप लोग सीरियसली स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट का वेट करने के बाद इतना टाइम नहीं रहेगा रिजल्ट निकलने के बाद कि आप लोग मेंस की तैयारी प्रॉपर कर पाए। तो आप लोग एग्जाम तो इसीलिए दे रहे हैं ना प्रीके की, ताकि आपको मेंस देना है कभी ना कभी, तो क्यों ना आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू करें, आप लोग सीरियस हो जाएं, क्योंकि रिजल्ट के बाद इतना टाइम आप लोग के पास नहीं होगा कि आप मेंस की, उसमें आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। और हाँ, एक और बात, हम लोग अपने चैनल पे हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट और सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, जैसा भी हमारे सिलेबस में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरा वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। कुछ संवैधानिक प्रावधान ये हैं। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वुमेन के ऊपर डाटा यहाँ पे शो करना चाहती हूँ, एक वीडियो आपको छोटी सी शो करना चाहती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वुमेन की क्या सिचुएशन है इंडिया में, क्या डाटा दिया गया है इंडिया के अंदर। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इंडिया हैज अबाउट 1170 मिलियन पीपल। वुमेन इन इंडिया कंप्राइज 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन एट अ रेशियो ऑफ 940 पर 1000 मेल्स दैट इंक्रीज्ड बाय 0.75% इन द सेंसस 2011। देयर आर 77 मिलियन लिटरेट्स इन इंडिया, 33 आर फीमेल्स एंड 44 मिलियन आर मेल्स। Literacy rate among females is 65.5% as compared to males with 82.1%. Employment. Of the total 402 million workers, 275 million are males and 127 million are females. India's urban female workforce participation rate is one of the world's lowest at 15%. One third of agricultural workers are women.
Their wages are 30% lower than men's wages. The average gender pay gap is approximately 54% for years 2006 to 2011. This, however, might be changing. The total number of women in the workforce increased from 9 million in 1991 to 28 million in 2011. As the former President of India, late Dr. Abdul Kalam, once said, when women are empowered, society with stability gets a shot. इसका लिंक भी दे रखा है इस सोर्स के रूप में, तो आप देख सकते हैं वीडियो जाके। तो इस ये वीडियो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। ये आपको डाटा दिया गया है, तो आप इस डाटा को अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो मेन हमारा सिलेबस है, मेन टॉपिक है महिलाओं की समाज में भूमिका। इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है विभिन्न क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महिलाओं की इतिहास में क्या भूमिका है। आप लोगों ने सबने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो हिस्ट्री में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले महिलाएं पर्दे में रहती थी, पहले महिलाएं चार दीवारी में कैद रहती थी, लेकिन आज महिलाओं ने चार दीवारी को छोड़कर अंतरिक्ष तक का रास्ता तय किया है। ये आप सभी लोग जानते हैं, सुनीता विलियम्स और ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं और आगे चल रही हैं। चलिए हम देखते हैं इतिहास में कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत को विश्व के समक्ष खड़ा किया है। इतिहास के अंदर पहले रजिया सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो पहली ऐसी लेडी शासिका थी जो जिसने भारत पर राज किया था। इसी तरह इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं गोंड की महारानी दुर्गावती के बारे में, जिसने अकबर के सेनापति को के छक्के छुड़ा दिए थे लड़ाई में। और इसी तरह और भी बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे कि कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, और शिवाजी की माँ जीजाबाई भी एक योद्धा थी। इसी तरह बहुत सी ऐसी इतिहास में महिलाएं हैं। हम प्राचीन इतिहास में भी जा सकते हैं, जिसमें ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाएं ऐसी हैं जिनको महिलाओं ने लिखा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से ऐसे नाम हैं जो आप लोग भी जानते होंगे, जैसे कि सरोजनी नायडू का नाम हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और भी बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं ने बहुत योगदान दिया है। कई ऐसी साइंटिस्ट हैं, कई ऐसे जिन्होंने भारत के बाहर जाकर अपना नाम कमाया है, सुनीता विलियम्स का नाम उनमें से एक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में पीटी उषा, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कृष्णा पूनिया, तानिया सचदेव, डोला बैनर्जी, झूलन गोस्वामी, दीपिका पल्लीकर, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप नाम के साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन भी लिखना उस अपने आंसर राइटिंग में कि उन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किस किस क्षेत्र में किया है। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी करिए इस आंसर राइटिंग को ढूंढने में, इसको बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी महिलाओं ने अपना बहुत योगदान दिया है, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, अरुंधती रॉय, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, लेडीज़ के नाम के साथ साथ हम जो घर की महिलाएं होती हैं, जो घर का कामकाज संभालती हैं, वो भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। लोग आजकल जो महिलाएं हैं वो बाहर जाकर काम करने लगी हैं, बाहर के काम के साथ वो घर की देखभाल भी करती हैं, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आता है। नेक्स्ट मीडिया के क्षेत्र में, आजकल मीडिया में महिलाएँ बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं मीडिया में जिसमें सिर्फ महिलाएं, आप टीवी चैनल खोल के देख लीजिए तो ज़्यादातर एंकर महिलाएं ही आपको मिलेगी, तो वो पुरुषों से आगे महिलाएं मीडिया के क्षेत्र में निकल रही हैं। इस तरह परंपराओं की संरक्षिका के रूप में, इसको तो आप अपने आप भी आंसर राइटिंग लिख सकते हैं कि जो भी हमारी परंपराएं हैं वो लेडीज़ की वजह से ही आगे बढ़ रही हैं। उन कोई भी त्यौहार कैसे मनाना है, किसमें कैसे पूजा पाठ होता है, कोई भी संस्कार कैसे सिखाना है, कैसे इसे इम्प्लाई करना है, वो भी महिलाएं ही इस क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र तो महिलाओं से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है। शिक्षा में महिलाओं को ही प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि बच्चों को महिलाएं ही अच्छे से समझ सकती हैं और उनका देखभाल और ध्यान दे सकती हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाएं तरक्की कर रही हैं, जैसे नर्सिंग का कोर्स हो गया, इसमें महिलाओं को तवज्जो दी जाती है क्योंकि वो देखभाल करना, दूसरों की केयर करना बहुत अच्छे से जानती हैं, वो सुचारू रूप से अपना काम कर सकती हैं, वो संवेदनशील भी होती हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं, तो वो अपना काम बखूबी निभा सकती हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं विभिन्न महिला संगठन कौन कौन से हैं और वो कब स्थापित हुए, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं, तो हम क्वेश्चन पर डिस्कशन बाद में करेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन होंगे, अगर कुछ और भी इसमें ऐड हो सकता है तो वो मैं आपको बाद में करा दूंगी। तो हम सिर्फ महिला संगठनों के बारे में बात करेंगे, वो थोड़ा बहुत कब इस्टेब्लिश हुआ और वो किससे रिलेटेड है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे इसमें, और थोड़ा सा इस टॉपिक को आप भी खोजने की कोशिश कीजिए, आप भी कीजिए इस पर आंसर राइटिंग, ताकि कुछ चीज़ें मिलजुल कर की जा सकें, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप लोग इस महिला संगठनों के बारे में बताइए कि और कौन कौन से महिला संगठन इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आर्य महिला समाज की बात करूंगी, जो 1882 में बना पुणे में, और इसे बनाया गया था जस्टिस रानाडे की पत्नी रमाबाई द्वारा, इन्होंने बनाया था। ये संगठन बाल विवाह, विधवाओं की दशा, दहेज और अन्य कुप्रथाओं पर केंद्रित था, मतलब इनके संबंध में ये था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत महिला परिषद की, महिलाओं से संबंधित सामाजिक विषयों पर एक विचार मंच के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा इसे 1905 में बनाया गया था। तो ये भी यही था, बाल विवाह विधवाओं की दशा को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत स्त्री महामंडल, इसकी स्थापना 1910 में की गई थी और इसकी स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी ने, और इसमें सबसे ज्यादा था कि महिलाओं के समान हितों को बढ़ावा देने के लिए ये बनाई गई थी, और ये प्रथम स्थायी संगठन था महिलाओं का, भारत स्त्री महामंडल। नेक्स्ट हम करेंगे महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद, ये 1925 में बनाई गई थी और मेहरबाई टाटा द्वारा बनाई गई थी। मैं बहुत ज़्यादा इनमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूरा मिला के आएगा, और इन संगठनों के कार्य वही होते हैं नॉर्मली, महिलाओं को उनकी स्थिति, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के। नेक्स्ट है वुमेन इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1915 में और इसकी पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी मार्गरेट कंजिस ने, और अन्य लोगों के साथ मिलकर इनकी स्थापना की गई थी इन्होंने, और इस संगठन ने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, शिक्षा सुधार कार्यक्रम भी चलाए थे, और इस संगठन ने ही 1941 में रोशनी नाम की पत्रिका का संपादन या प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट है सेवा, सेवा का फुल फॉर्म होगा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये 1972 में चलाई गई थी और इसको चलाया था ईला भट्ट ने, महिलाओं की एक ट्रेड यूनियन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। सेवा का मुख्य लक्ष्य था पूर्ण रोजगार के लिए महिला कामगारों को संगठित करना। नेक्स्ट है स्वाधीन, इसकी स्थापना 1990-91 में की गई थी, इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है, और ये मुख्यतः संगठन जो था जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहज की, इसके बारे में प्रॉपर डाटा नहीं है कि कब शुरू किया था, बस सहज एक प्रयास था जो कि कला और शिल्प के पर आधारित सूक्ष्म उद्योगों के जरिए कामगारों को स्वरोजगार का अवसर मिल सके और उन्हें कौशल विकास, प्रबंधन और शिल्प आधारित ज्ञान से प्रशिक्षण दिया जा सके, इस पर था सहज। नेक्स्ट अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जिसे एडवा भी कहा जाता है, द ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन एडवा, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, यह लोकतंत्र, समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध था, ये संगठन है। भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक राष्ट्रीय संगठन है, भारतीय ग्रामीण महिला संघ। नेक्स्ट है संपदा ग्रामीण महिला संस्था, जिसे संग्राम कहा जाता है, फुल फॉर्म संपदा ग्रामीण महिला संस्था संग्राम, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये सांगली जिला जो महाराष्ट्र में है उसमें इसकी स्थापना की गई थी। ये मुख्यतः जो की गई थी
ये एड्स की जो महिलाएं होती है उनको उनकी दशा सुधारने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है स्वयं। ये संगठन कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो हिंसा है उसको समाप्त करना है। नेक्स्ट स्वाभिमान। ये स्माइल फाउंडेशन की एक पहल, स्माइल एक फाउंडेशन है उसने ये संस्था बनाई थी और इसका जो उद्देश्य है ये लड़कियों में गौरव और सम्मान भाव को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट आदिवासी मूल लोगों का अखिल भारतीय समन्वय मंच। इसका जो संगठन है ये दिल्ली में स्थित है और इसका उद्देश्य जो है वो आदिवासी लोगों को, आदिवासी महिलाओं को अपनी दशा और दिशा सुधारने के लिए मदद करता है। YWCA, यहाँ YWCA आएगा, तो ये वर्ल्ड YWCA से संबंधित है। ये संगठन विभिन्न कार्यक्रम के जरिए महिला सशक्तिकरण का कार्य करता है, महिलाओं को प्रशिक्षण देना, उनको रोजगार से अवगत कराना, इन सब के बारे में ये संगठन कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संहिता जेंडर रिसोर्स सेंटर की। ये जो है ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया था और महिला सशक्तिकरण के लिए आधारभूत स्तर पर काम करने वाले संगठनों के बीच सूचना सक्रियता एवं नेटवर्किंग की आवश्यकता पूर्ति हेतु, मतलब कि सूचनाएं प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षरा। अक्षरा जो संगठन है इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। मुंबई में महिला आंदोलनों और अभियानों के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आया था। लिंग असमानता पर सार्वजनिक चेतना को बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करना तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकना, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के साथ भागीदारी करना अक्षरा जो एसोसिएशन था इसके मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मजलिस की। मजलिस जो है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और मुंबई में कार्यरत यह वैधानिक और सांस्कृतिक संसाधन का केंद्र है जो कि महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहा है। नेक्स्ट संगठन है मैत्री। मैत्री जो कि नवी मुंबई में सक्रिय है, ये महिला संबंधी मुद्दों और महिलाओं की प्रगति को समझने के लिए एक स्त्रीवादी दृष्टिकोण का विकास करता है। इसी में आगे बात करते हैं हम लोग एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में जो कि सक्रिय है राजस्थान में। राजस्थान के 28 जिलों में ये सक्रिय है और इसका मुख्यालय हम कहेंगे उदयपुर कोटा, दो जगह इसका मुख्यालय है, एक तो उदयपुर में और एक कोटा में। ये राजस्थान का है एकल नारी शक्ति संगठन। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी हैं, सबके नाम मैं यहाँ पर नहीं दे पाई हूँ लेकिन जितने भी नाम दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप आंसर राइटिंग में अपने यूज़ कर सकते हैं। और भी नाम है जैसे सहेली एक महिला संगठन है जो कि दिल्ली में है, सखी एक समलैंगिक नारी संगठन है जो कि दिल्ली में है, महिला अध्ययन और विकास केंद्र एक चंडीगढ़ में है, डाइवर्स वुमेन फॉर डाइवर्सिटी ये दिल्ली में है और वुमेन्स फाउंडेशन ये भी एक दिल्ली में स्थित संस्थान है। तो इतने संस्थानों की बात हमने आज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग एक इम्पॉर्टेंट आयोग है, इस पर आंसर राइटिंग अलग से आ सकती है, इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग पर एक अलग क्वेश्चन बन के आ सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य बताइए, इसकी स्थापना कब हुई, सबके बारे में। तो आज हम जो करेंगे इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आज मैंने सिर्फ और महिला संगठनों की तरह इसके बारे में भी, सिर्फ इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जानकारी दी। इस टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर हम आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, इसके संबंध में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होता है, महिला और महिला संगठनों की समाज में भूमिका, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और हम किस हिसाब से आंसर राइटिंग कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जल्दी ही, और राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर एक वीडियो अलग से करेंगे जिसमें प्रॉपर महिलाओं के बारे में ही, राष्ट्रीय महिला आयोग के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अलग से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी ये
कोशिश पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमारी नई सीरीज़ जल्द ही आ रही है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का पेपर, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।